हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर गोपाल गोयल जी जुड़ चुके हैं। तो गोपाल गोयल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि किस तरह से अब बाजार सजकर तैयार हुए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरह से किए गए? नमस्कार मैडम, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। देखिए, मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि होली जो है हमारा एक तरह से एक ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे का, आपसी मिलन का त्यौहार है। इस दिन पूरा समाज मिलके खुशियां मनाता है, एक दूसरे पे गुलाल डालते हैं, रंग डालते हैं, पानी डालते हैं, गले मिलते हैं। तो ये एक तरह से भाईचारे का प्रतीक है। जिस दिन हम सभी दुश्मनी बुलाकर सबको भाई समझते हैं, सबको अपने परिवार रिश्तेदारों से गले मिलते हैं। लेकिन उस समय के साथ साथ इसमें दिक्कत क्या आ गई है कि जो गुलाल है बेसिकली केमिकल्स होते हैं, तो आंखों में डाल देते हैं, कानों में डाल देते हैं, गंदा पानी शरीर पे डाल देते हैं, जिससे नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा इसमें विक्टिम है आंखें होती हैं, कि या तो गुलाल है या केमिकल युक्त और भी रंग आते हैं, पक्के रंग भी आते हैं, जो काफ़ी केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो वो स्किन पे भी नुकसान करते हैं, मुंह पे लगा देते हैं, रगड़ देते हैं या आंखों में डाल देते हैं। इससे आंखों को बड़ा नुकसान होता है और स्किन को। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो केमिकल युक्त जो भी हम गुलाल या रंग यूज कर रहे हैं, उसको ना यूज करें। प्रेम का इजहार, भाईचारे का इजहार करने के लिए आंखों पे या शरीर पे रंग रगड़ना जरूरी नहीं है। तो आप एक तिलक लगा दीजिए, साफ पानी डाल दीजिए। ड्राई होली का बड़ा अच्छा कंसेप्ट आया हुआ है कि जिसमें तिलक होली लगाते हैं, तिलक लगाते हैं हम सिंपल गुलाल का। तो मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा सभी से कि कृपया जो है, खास तौर से बच्चे हैं उनकी आंखों में डाल देते हैं, बच्चों को नॉलेज भी नहीं होती है, पिचकारी जोर से डाल के आंखों में मार देते हैं, तो इन सब से नुकसान होता है। लेकिन गोपाल गोयल जी, इस बार तो मार्केट में हर्बल गुलाल भी सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है हर्बल गुलाल क्या यूज करना सेफ होगा? देखिए, जो हर्बल वर्ड है ये आजकल बड़ा मिसयूज होने लगा हमारी सोसाइटी में। हर्बल फूड, हर्बल केमिकल्स, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी चीज़ बनती है वो किसी चीज़ से तो बनेगी, केमिकल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हर्बल, इतने हमारे पास हर्बल प्लांट्स ओवरनाइट हम कहाँ से लेके आएंगे कि दुनिया भर का गुलाल हम हर्बल गुलाल ले आएंगे? जो ये बड़ा अभी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया है कि भाई अब मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो गलत बात है। आप हर्बल गुलाल, कोई हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है पता करने का कि ये हर्बल गुलाल है या नॉन हर्बल गुलाल है। किसी गुलाल को भी छोटी दुकान पे आप जाइए और हर्बल गुलाल का लेबल लगा के बेच देते हैं, तो आप ये मान के चलिए वही गुलाल है, रेट बढ़ा दिए हैं। कोई ऐसा कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि हर्बल गुलाल जैसी कोई चीज़ होती है। रंग है, हम इतने ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ से लेके आएंगे एक दिन में कि हम हर्बल घी निकाल लें, हर्बल गुलाल निकाल लें? तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है मिसलीडिंग है, ज्यादातर गुलाल वही हैं, तो आप वही सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें बरतने हैं जो कि नॉर्मल गुलाल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोपाल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि अब बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो सेफेस्ट होली जिसे कहा जाता है, उस तरह की अपील डॉक्टर गोपाल गोयल की ओर से की गई कि इस बार सेफेस्ट होली खेले। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।